भोजपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद बिलाल को पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कुख्यात पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन मामले थाने में दर्ज है। पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश के पास से हथियार और जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। एएसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता कर वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने की खुलासा किया है। एएसपी ने कहा, पकड़ा गया बदमाश अक्सर व्यवसायियों से रंगदारी की मांग कर रहा था। बहुत दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी, वह बार बार चकमा देकर फरार हो जा रहा था। आखिरकार भोजपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों के द्वारा रची जा रही एक बड़ी आपराधिक योजना को ऐन मौके पर पहुंचकर न केवल उस वारदात को नाकामयाब किया है, बल्कि आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे मुख्य सरगना और जिले के टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल मोहम्मद बिलाल को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह कामयाबी नगर थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ला स्थित चौधरीयाना मस्जिद के समीप से मिले है। गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद बिलाल पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन मामले नगर और तरारी थाना में दर्ज है। इस पूरे प्रकरण का खुलासा आरा सदर के एएसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ला स्थित चौधरीयाना मस्जिद के पास कुख्यात बदमाश मोहम्मद बिलाल अपने साथियों के साथ एक बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है, जिस पर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां तुरंत छापेमारी की। पुलिस को आते देख बदमाश भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने मौके से कुख्यात अपराधी मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश व्यवसायियों से अक्सर रंगदारी की मांग भी कर रहा था। इसके ऊपर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है, साथ ही इसके कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं एएसपी ने मोहम्मद बिलाल की गिरफ्तारी पर कहा कि इसकी गिरफ्तारी व्यवसायियों के लिए बड़ी जीत है। क्या को सर गिरफ्तार किया गया है सर? हाँ, ये कल दिनांक 24/11/2022 को एक कुख्यात अपराधी है मोहम्मद बिलाल, जो कि टाउन थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अबरपुर क्षेत्र एवं काफ़ी सारा टाउन क्षेत्र में व्यवसायियों से हमेशा शिकायत रहती है कि ये रंगदारी वगैरह मांगते रहता है फ़ोन पे एवं हथियार वगैरह भी लेके चलते रहता है। इसे हम लोग पहले ही से टीम बना के हमेशा इसके पीछे हम लोग छापेमारी करते थे इसके ठिकानों पे, लेकिन ये हमेशा निकल जाता था हमारे हाथों से। और ये एक गुप्त सूचना हमें मिली, हमारे चीता टीम ने काफ़ी अच्छे काफ़ी प्लान वे में इसे अरेस्ट किया था। और इस जब अरेस्ट हुआ तो इसके पास एक देसी कट्टा भी था और दो जिंदा कारतूस भी थे। इसका नाम मोहम्मद बिलाल, उम्र 40 वर्ष है। इसके पिताजी का नाम निजामुद्दीन और अबरपुर का ये रहने वाला है। जो हथियार मिला है वो 9/82/22 केस नंबर भी रजिस्टर किया गया टाउन थाना में, 25/1/BA एवं 26 आर्म्स एक्ट। इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, ये जेल भी काट चुका है। इसके ये जो 13 केसेस जो हैं वो नगर थाना में अलोन नगर थाना में रजिस्टर्ड है, बाकी थानों से भी हम इसका आपराधिक इतिहास ले रहे हैं, लेकिन 14 केसेस हैं। ये सब में बेल करा लेता है और चूँकि इसका जो बेलर्स हैं एवं जो ये बेल का कागजात है उसकी भी जाँच होगी और देखा जाए कहीं अगर कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे एवं इसको हम लोग स्पीड ट्रायल करके सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है सर इसका? इसकी गिरफ्तारी जो है टाउन थाना क्षेत्र में ही हुई है और तरी मोहल्ला में हुई है। तरी मोहल्ला चीता टीम के द्वारा की गई। और जो दूसरी इसमें काफ़ी रंगदारी ये केसेस आम सर के केसेस में ये वांटेड रहा था और अभी अरेस्ट हुआ है, तो ये के व्यवसायियों की ये जीत है एक तरह से मैं बोलूँगा। और ये एक अच्छा खबर है, हमारा एंटी क्राइम जो कैंपेन है ऐसे ऐसे अपराधियों के लिए हमेशा रहेगा। इसके निशानदेही पे भी हमें काफ़ी अपराधियों जो हैं कम एज के भी लड़के हैं, नए लड़के जो ये सब काम कर रहे हैं उनके बारे में पता लगा है और उनके यहाँ भी हम छापामारी करेंगे और अगर वेपन्स वगैरह बरामद होता है वेपन्स बरामद करेंगे और इनको कानून के शिकंजे में लाएंगे। ठीक है। जो दूसरा घटना है जिबाड़ा हो रहा है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे एवं इसको हम लोग स्पीड ट्रायल करके सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है सर इसका? इसकी गिरफ्तारी जो है टाउन थाना क्षेत्र में ही हुई है और तरी मोहल्ला में हुई। तरी मोहल्ला में, हाँ, तरी मोहल्ला की तारीख द्वारा की गई। और
जो दूसरे इसमें काफ़ी रंगदारी के केसेस, आम सर के केसेस में ये वांटेड रहा था और अभी अरेस्ट हुआ है, तो ये कि व्यवसायियों की ये जीत है एक तरह से मैं बोलूँगा, और ये एक अच्छा खबर है। हमारा एंटी क्राइम जो कैंपेन है ऐसे ऐसे अपराधियों के ये हमेशा रहेगा, इसकी निशानदेही पे भी हमें काफ़ी अपराधियों जो हैं कम एज के भी लड़के हैं, नए लड़के जो ये सब काम कर रहे हैं उनके बारे में पता लगा है, और उनके यहाँ भी हम छापामारी करेंगे और अगर वेपन्स बरामद होता है वेपन्स बरामद करेंगे और इनको कानून के शिकंजे में लाएंगे। ठीक है। जो दूसरा घटना है वो श्री टोला बगीचे का है। श्री टोला बगीचे में एक पार्टी के दौरान जो नगर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी, नवादा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ हथियारबंद अपराधी हैं जो वहाँ पे हैं और वो लोग नाच गाना एवं पार्टी कर रहा है। पुलिस बल के साथ रेड किया गया, क्योंकि नाच गाना तो इसीलिए हम भी स्ट्रॉन्ग फोर्स वहाँ पे एक हम लोग भेजे थे जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय अविनाश कुमार खुद थे, उधवंत नगर थाना अध्यक्ष शशि भूषण कुमार को भी लाया गया था एवं सहनी राजेंद्र पांडे और चीता बल। इसमें भी कुछ लोग जो थे वो सब भाग गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे शराब पार्टी चल रही थी। एक बोतल सिग्नेचर अंग्रेजी शराब भी बरामद हुआ है और एक देसी पिस्टल वहाँ पे बरामद हुआ है। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, एक का नाम सुजीत कुमार जो कि खुद वहाँ पे पार्टी चला रहे, पार्टी दिए थे वही ये बोला जा रहा है, और एक अरविंद कुमार से। तो ये दोनों बहिरों के ही रहने वाले हैं, श्री टोला का रहने वाला है। ये लोग को भी अरेस्ट किया गया। कुछ दिन पहले एसपी सर ने भी एक बात क्लियर किया था, क्योंकि शादी लगन का माहौल है तो वहाँ पे पार्टीज़ हो रही हैं, तो हर्ष फायरिंग की घटनाएं को लेके अभी हम लोग की नज़र बिल्कुल रही कहाँ कहाँ पार्टियां हो रही हैं, किस तरह के प्रोफाइल के लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हैवी फोर्स से हम लोग रेड करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए और जो मुख्य यहाँ पे आरोपी होंगे अब वो क्लियर कर दिया जाए कि जो पार्टी देने वाले हैं या शादी समारोह के जो मेन देने वाले हैं पार्टी उनके वो ज़रूर अभियुक्त बने इसमें। तो कृपया आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके माध्यम से हम ये चीज़ की को एक अवेयरनेस की तरह बताना चाहिए। सर एक और सवाल है कि क्या बिलाल का इधर भी जो घटना हुआ है उन घटनाओं में भी कहीं संलिप्त है क्या? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, इसको रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी और भी अपराधियों उनसे भी क्रॉस चेक कराया जाएगा और जो टेक्निकल एविडेंस है उनको भी हम लोग साथ में लाएंगे तो देख पाएंगे इसको। अभी ये काफ़ी जल्दी अनुसंधान।